नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार की खबरों में। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। लालू तेजस्वी पप्पू पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा बेल मिलते ही स्वस्थ, जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं नेता, समर्थक इनके स्वास्थ्य की नहीं बेल की प्रार्थना करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए विरोधी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि अब राजनीतिक तौर पर पटना शहर का नाम बदलकर विरोधी नेता सेवा शहर का देना कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी अजीब चीज़ है। बिना नाम लिए तेजस्वी को घेरते हुए उन्होंने लिखा कि राघोपुर की जनता आपको विधायक बनाती है, फिर भी अस्पताल पटना में ही खोलेंगे। भाई के मंत्री रहते एक मेडिकल कॉलेज ही राघोपुर में खोल देते, या खुद मंत्री रहते एक पुल ही बना देते तो पीपा पुल पर लोगों की मौतें नहीं होती। दोस्तों, तावते ने बिगाड़ा 6 राज्यों का मौसम। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में 14 घंटे तक बरसे बादल। केदारनाथ में भी बर्फबारी। तावते तूफान के ने कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सामान्य तौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है, वहीं अभी 6 राज्यों में बारिश हो रही है, इससे यहां का तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है और दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। राजधानी पटना में बिना जांच किए ही RT-PCR सैंपल को जला दिया जाता है। लोगों की जांच रिपोर्ट लेट क्यों आ रही है? जब इसकी पड़ताल किया गया तो शास्त्री नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर RT-PCR जांच के लिए लिए गए सैंपल को जलाया जा रहा था। सवाल पूछने पर केंद्र की प्रभारी डॉक्टर फराह इम्तियाज ने कहा कि आज नहीं जलाया गया, पहले जलाया गया था। सैंपल रखे रखे खराब हो गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने कोरोना से मुक्ति के लिए सैंपल जलाने का नया तरीका ढूंढा है? लिखो दोस्तों, गया में पुलिस के बरसाए डंडे से बच्चे की उंगली फट गई। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के बीच शहर की कोतवाली पुलिस आंख मूंदकर डंडे बरसाने में जुट गई है। और वह न तो नाबालिग देख रही और ना ही बालिग, सभी पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने में जुटी है पुलिस की इस बेरुखी की वजह से आज एक नाबालिग की उंगली पूरी तरह से फट गई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा का है। लॉकडाउन के दौरान पंचायती अखाड़ा का रहने वाला नाबालिग लड़का अफसर अपने पिता के लिए दवा लेने के लिए गया था और इसी दौरान उसके उंगली पर डंडों से बार किया गया, जिसके बाद उसकी उंगली फट गई। परंतु कोरोना के बीच देश में एक और बीमारी म्यूक्रोमाइकोसिस हर दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कई राज्य को इसे महामारी घोषित करना पड़ा है और गुरुवार को ही तेलंगाना और तमिलनाडु सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने की जानकारी दी है। और इससे पहले राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित किया था, वहीं हरियाणा सरकार पहले ही यह फैसला ले चुकी है। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस को लेकर सरकारों की चिंता की वजह यही है कि यह बीमारी तेजी से फैल रही और संक्रमित की आंखों तक की रोशनी तक जा रही है। अगली खबर दोस्तों, मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों के अलर्ट जारी किया है। पटना, अररिया, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, बेतिया में सुबह से बारिश हो रही है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, शेखपुरा, गया, नवादा, समस्तीपुर, लखीसराय समेत 19 जिलों के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही विभाग की ओर से राज्य के अन्य 15 जिलों में भी सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर के धरेरा में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है। अगली खबर दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है। इस बीच RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि लालू की बेटी भी MBBS है, उसकी सेवा ली जाए। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि तेजस्वी को अपने अवैध मकानों में कोविड केयर सेंटर खोलना चाहिए। उनकी दो बहनें MBBS है, कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई? जिसके जवाब में रोहिणी ने लिखा कि आज के बाद मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया तो आकर मुंह तोड़ दूंगी। अगली खबर दोस्तों, तेजस्वी का सरकार पर तंज। बोले TTM यानी ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले CM की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमें गालियां देने से जनता का भला नहीं होगा। TTM करने वाले मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हैं और उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमें गालियां देने से जनता का भला नहीं होगा। बयानवीर सब घर में बैठकर गालियां दे रहे हैं और हमें ट्विटर बबुआ कहते हैं, लेकिन सत्ता पार्टी के लोग कहां से बयान दे रहे हैं, किस अस्पताल में जा रहे हैं, किसको मदद पहुंचा रही, ये सभी जो बातें हैं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछी है।
तो लॉकडाउन में अब एक नया सिरदर्द, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट बना रहे दबाव, किस्त नहीं भरने पर अकाउंट में ओडी लगाने की धमकी। पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के सहोदरा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को एक नई परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तो रोजी रोजगार चौपट है, ऊपर से लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट से परेशान है। किस्त जमा करने के लिए ये लोग हर रोज दबाव बनाते हैं, पैसे नहीं देने पर अकाउंट में ओडी ओवरड्राफ्ट लगाने की धमकी देते हैं। ओडी लगने के बाद कहीं से दोबारा लोन नहीं ले पाएंगे, ऐसे में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र जाने वाले यात्री ध्यान दें, सभी यात्रियों को रखना होगा 48 घंटे पूर्व का निगेटिव रिपोर्ट। RT-PCR है जरूरी, रैपिड एंटीजन टेस्ट माने नहीं। अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपके लिए खास खबर है, अब यात्रा के दौरान आपको कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की, यात्रियों के पास 48 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए। और महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी एक्टिव है, वहाँ की सरकार कड़ाई से लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है, और इस वजह से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बहुत ही कम हुई है। वहीं दोस्तों, टेंशन भगाएगा CBSE का कॉल सेंटर, अब एक कॉल पर एग्जाम और रिजल्ट का तनाव होगा दूर। टीचर स्टूडेंट्स के साथ गार्जियन भी कर सकते हैं फोन। एग्जाम और रिजल्ट के तनाव में मानसिक परेशानी के शिकार हो रहे स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने बड़ी तैयारी की है। अब एक ऐसा कॉल सेंटर तैयार किया गया जहां स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान एक कॉल पर हो जाएगा। यहां टीचर और स्टूडेंट के साथ गार्जियन भी फोन कर सकते हैं। CBSE के केंद्रीय कॉल सेंटर से छात्रों के साथ टीचर और गार्जियन को भी काफ़ी राहत होगी। अगली खबर दोस्तों, JDU सांसद को आया चक्कर, फर्श पर गिरे पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, अस्पताल में भर्ती, गिरने से सिर में लगी चोट, हालत खतरे से बाहर। JDU सांसद संतोष कुशवाहा सुबह पूर्णिया स्थित अपने आवास में चक्कर खाकर फर्श पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट लगी। आनन फानन में उन्हें शहर के बड़े अस्पताल भर्ती करवाए गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सिर का CT स्कैन कराया जा चुका है, हालांकि हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लग गई है। वहीं दोस्तों, कोरोना मरा नहीं है, लोगों को मार रहा है। 24 घंटे में 104 लोगों की जान चली गई है बिहार में, इसमें राजधानी पटना में इलाज के दौरान 11 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों को लेकर जांच तो बढ़ा दी गई, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। हर दिन मौत के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। पटना में 1244 नए मामले भी सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार समेत देश के हर कोने में कहर बरपाया है। बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए, काफी संख्या में संक्रमित लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन इस बार ट्रेनों के परिचालन को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ट्रेनों का परिचालन अब भी जारी है। हालांकि बिहार में लॉकडाउन और कोरोना के बड़े मामलों की वजह से ट्रेनों में सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या में भारी कमी है। जिन ट्रेनों में पैसेंजर्स कमी है उन्हें रेलवे अगले आदेश तक बंद कर रही है। वहीं दोस्तों, लॉकडाउन में नौकरी गई तो पत्नी को छोड़कर भागा फेसबुक या शादी का अंजाम। 7 जन्मों का साथ निभाने वाला पति एक लॉकडाउन भी नहीं झेल पाया, नौकरी गई तो टेंशन में पत्नी को ही छोड़कर भाग गया। पुणे से बक्सर पहुंचा पति अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। स्टेशन पर भड़कती महिला से पुलिस ने जब पूछा तो उसने सारी व्यथा बताई है। दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।